आपके बाइक में ऐसा प्रॉब्लम है, मतलब गियर अप जो लीवर है मैं ऐसा ऐसा हिल रहा है, तो इसके इनमें दो तरीका मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट जो बोल्ट देख रहे हैं ये जो ये वाला, इसको आपको थोड़ा सा टाइट करना है। फिर भी अगर ये प्रॉब्लम नहीं जाता है तो ओवर टाइट नहीं करना है, सेट बोल्ट कट जाएगा। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, इस जो गियर लीवर है इसको पूरा निकाल लेना है और ये बोल्ट को पहले खोल लेना है। तो पहले मैं बोल्ट को खोल लेता हूँ, गियर लीवर को पहले निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो बोल्ट है मैंने निकाल लिया है, फिर इसको इधर उधर करके थोड़ा सा खींचना है, आपके इजीली गियर लीवर बाहर निकल आ जाएगा। तो मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो थ्रेड है देख सकते हैं ये घिस गया है, तो इसके हिसाब से मैचिंग नहीं कर रहा। इसको मैं जुगाड़ बताने वाला हूँ, आपकी इजीली प्रॉपर फिटिंग हो जाएगा। आपको इस तरीके का एक एल्युमिनियम का टुकड़ा लेना है, उसको काटना है। काटने के बाद इसके अंदर घुसा के फिर ऐसे फैन से लगा के टाइट कर देना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का कुछ एल्युमिनियम का टुकड़ा लेना है, ठीक है। और अगर पास ये नहीं है तो आप जो मोटा प्लास्टिक वगैरह होता है उसको भी काट के लगा सकते हैं, आपको हो जाएगा। मैंने पहले मैं काट लेता हूँ, इधर से भी काट लेता हूँ। फिर इसके अंदर आपको घुसाना है, अगर जाता है तो ठीक है, थोड़ा सा और काट लेंगे। बस फिर आपको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है। ये ज़्यादातर पुराने बाइक में ही होता है क्योंकि उसका थ्रेडिंग मतलब घिस जाता है। इस जुगाड़ से मैंने पहले भी चलाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगा, आप रास्ते में फंसेंगे भी नहीं। तो आपको सिंपली इस तरीके से इसको घुसा देना है, ठीक है, और कुछ नुकीली चीज़ की मदद से इसको दबाना है। तो ये देख सकते हैं बैठ गया। फिर इसको ध्यान से लगाना है, बाहर ना निकल जाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ लगाने के प्रोसेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो थ्रेडिंग है घिस गया है, इसको सफाई कर लेना है। और मैंने जो इसके अंदर घुसाया था ध्यान से घुसा, ये ना गिर ना जाए, इसके अंदर लगा के आप इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, आपको जितना कंफर्टेबल हो। तो मैं तो प्लेन ही रखूँगा। तो इसके अंदर ध्यान से लगा के जा रहा है। फिर आपको इस तरीके से लगा के ठोकना है। तो आपको इस तरीके से लगा के देख लीजिएगा, ठीक है, फिर ये टाइट जाएगा। फिर इसको किसी चीज़ से ठोकना है धीरे धीरे, ठीक है। दोनों तरफ से ठोकना है, ठीक है। देखिए अभी से टाइट हो गया, कुछ हिल विल नहीं नहीं आ रहा है। तो आपका देखिए गियर भी पड़ रहा है। तो इस तरह आपको वो जो बोल्ट है 10 नंबर का, उसको आप टाइट कर दीजिए। थोड़ा ठोक लेता हूँ, टाइट हो गया। फिर आपको जो 10 नंबर का बोल्ट था उसको आपको लगा देना है, ठीक है। तो हमने वो नट कस दिया अच्छी तरह से, देखिए अब कुछ भी हिल नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर काम कर रहा है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, छोटा सा ट्रिक था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, एंड ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बहुत मेहनत लगा है, एक लाइक तो बनता ही है। चलिए,
सी यू इन द नेक्स्ट वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।